गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ईवीएस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर पॉल्यूशन बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर लेट अस गो थ्रू वार्म अप एक्सरसाइज हैव यू एवर सीन ग्रे और ब्लैक स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल क्या आपने कभी ग्रे या ब्लैक स्मोक देखा है जो किसी भी व्हीकल से निकलता है वॉट इज़ इट लाइक वेन यू ब्रीथ इन डैट स्मोक आपको कैसा फील होता है जब आप जो वो स्मोक निकलता है व्हीकल से आप उसको ब्रीथ इन करते हो राइट इट डाउन बिलो आपको वो यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इट डाउन योर सेल्फ बिकॉज आपने कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कभी ना कभी आपने ऐसा व्हीकल देखा होगा जिसमें से ब्लैक और ग्रे स्मोक निकलता है और उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ है यू हैव टू राइट इट हियर ओके सो यू हैव टू डू दिस वार्म अप एक्सरसाइज योर सेल्फ नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर लैंड एयर एंड वाटर आर नेचुरल नैचुर एज वी ऑल नो जो लैंड एयर और वाटर है ये नेचुरल रिसोर्स है दे आर एजेंशियल फॉर आर सर्वाइवल ये इजेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन एयर वाटर एंड सॉयल मेक्स दैम अनफिट फॉर यूज़ जब हार्मफुल थिंग्स एयर वाटर और सॉयल में मिक्स हो जाते हैं तो वो यूज़ के लिए अनफिट होते हैं मतलब वो यूज़ के लायक नहीं होते दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट इन्हीं हार्मफुल सब्सटांसिस को पॉल्यूटेंट बोला जाता है द डैमेज कॉज टू द एयर वाटर एंड द लैंड इज नोन एज पॉल्यूशन और इनसे जो डैमेज हो जाता है एयर वाटर और लैंड को दैट इज़ नोन एज पॉल्यूशन जो हार्मफुल सब्सटेंस है डेट इज पॉल्यूटेंट एंड द डैमेज कॉज टू एयर वाटर एंड लैंड इज नोन एज पॉल्यूशन सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इन बोथ दिज वर्ड्स ओके एयर पॉल्यूशन नो बडी लाइक्स टू गो नियर बर्निंग रबिश बिकॉज इट स्मोक्स इरिटेट द आइस हमें से किसी को भी जब हम कोई रबिश बर्न करते हैं उसके अराउंड जाना अच्छा नहीं लगता बिकॉज जो उसमें से स्मोक निकलता है वो हमारी आइज को इरिटेट करता है स्मोक इज़ द ग्रे ब्लैक और वाइट मिक्सचर ऑफ गैसेस सी हियर स्मोक जो है वाइट भी दिख रहा है हमें ब्लैक एंड ग्रे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज़ इन ग्रे ब्लैक और वाइट कलर डैट इज़ प्रोड्यूस वेन समथिंग बर्न्स जो प्रोड्यूस वो कब होता है जब कुछ बर्न होता है स्मोक पॉल्यूट द एयर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ब्रीथिंग स्मोक एयर को पोल्यूट करता है और उसे अनफिट बनाता है फॉर ब्रीथिंग फैक्ट्रीज़ लेट आउट स्मोक फ्राम दियर चिमनीज़ फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उनकी चिमनीज में से मोटर व्हीकल्स विच आर नॉट मेन्टेन प्रॉपर्ली ऑल्सो गिव आउट स्मोक्स इसके अलावा फैक्ट्रीज़ के अलावा जो मोटर व्हीकल्स जिनको प्रॉपर्ली मेनटेन नहीं किया जाता उनमें से भी स्मोक निकलता है हेयर आर सम अदर थिंगस डैट पोल्यूट द एयर यहाँ पे और भी थिंग्स हैं जो एयर को पॉल्यूट करती है लेट एस रीड अबाउट इट डस्ट फ्राम हाउजिज एंड फैक्ट्रीज हमारे होम से निकलने वाली डस्ट एज वेल एज जो डस्ट फैक्ट्रीज से निकलती है डैट आर डेट पोल्यूट द एयर पॉइजनस गैसेज फ्राम फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज से जो पॉइजनस गैसेज लेट आउट होती है डैट इज ऑल्सो पॉल्यूट द एयर स्मोक फ्राम एनी थिंग डैट बर्नज इन द ओपन कुछ भी है, अगर हम ओपन में बर्न करते हैं उसमें से जो भी स्मोक निकलता है डैट ऑल्सो पॉल्यूट्स द एयर टोबैको स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स दो जू कंज्यूम दो जू स्मोक सिगरेट उस टोबैको तो में से जो स्मोक निकल रहा है डैट ऑल्सो पॉल्यूट द एयर इट इज़ इक्वली फॉर आर हेल्थ बट वो एयर को भी पॉल्यूट करती है बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग जब हम कफ या स्नीज करते हैं उसमें से निकलने वाले बैक्टीरिया और जो वायरस है वो भी एयर को पॉल्यूट करता है स्मोक फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स इन बिल्डिंग और फॉरेस्ट एक्सीडेंटली अगर बिल्डिंग या फॉरेस्ट में फायर लगती है तो उसमें से निकलने वाला स्मोक भी एयर को पॉल्यूट करता है डिट यू नो नॉर्मली द हेयर इन आर नोज ट्रैप्स द डर्ट इन द एयर वी ब्रीथ इन नॉर्मली जो हेयर है हमारे नोज में वो डर्ट को ट्रैप करता है एयर से वो डर्ट को ट्रैप करता है वी ब्रीथिंग जो हम ब्रीथ कर रहे हैं बट इफ़ द एयर इज़ पॉल्यूटेड डर्ट कैन गेट आउट इन टू आर लंग्स एंड डैमेज दैम बट अगर एयर पॉल्यूटेड है तो वही डर्ट हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है जो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है ओके स्टूडेंट्स सो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एयर को पॉल्यूट ना होने दें इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं पॉल्यूटेंट्स इन द एयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हीट जो पॉल्यूटेंट होता है एयर में वो बहुत सारा हीट को ट्रैप करता है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द एयर इज़ रिजल्टिंग इन द राइज़ इन टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है एयर में जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वी कैन सी राइज इन टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग यही जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है इसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है राइज इन टेम्परेचर विल इवेंचुअली मेल्ट द आइस इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल जो राइज होता है टेम्परेचर में वो इवेंचुअली मेल्ट कर देता है आइस को नॉर्थ और साउथ पोल में एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ द ओशन वाटर विल राइज़ इसका रिजल्ट क्या होता है कि ओशन वाटर का जो लेवल है वो राइज़ हो जाता है एंड फ्लड द प्लेसेस डैट आर नियर द ओशंस और इसीलिए जो नियर द ओशन प्लेसेस हैं उनमें फ्लड आ जाता है लाइक इन मुंबई इट इज़ दम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इमिडिएटली इसीलिए बहुत ज़्यादा इजेंशियल है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें एंड डैट टू इमीडिएटली हमें वेट नहीं करनी चाहिए हमें अभी से ही एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए एयर पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स आर हेल्थ इन मैनी वेज इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइक रेडनेस ऑफ आइज आइज़ में रेडनेस आ जाती है एलर्जी कफिंग एंड स्नीजिंग एलर्जी होती है कफिंग और स्नीजिंग भी होती है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स डिजीज लाइक एस्थमा एंड ब्रॉन्चाइटिस ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है और डिजीज लाइक एस्थमा एंड ब्रॉन्चाइटिस ये भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउ सी इन दिस पिक्चर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट हाई पेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लेशियर्स हैं वो हाई पेस मतलब बहुत ही जल्दी से मेल्ट कर रहा है ओके okay, स्टूडेंट्स प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन हम एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हे आसम वेस्ट टू प्रीवेंट एयर पॉल्यूशन बिल्ड फैक्ट्रीज़ अवे फ्राम हाउसेज़ हमें फैक्ट्रीज़ बिल्ड करनी चाहिए हाउसज से बहुत ही फार अवे फैक्ट्री चिमनी शुड बी वेरी टॉल सो डैट द स्मोक फ्राम देम इज़ सेंट हाई अप फैक्ट्रीज की जो चिमनीज़ होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टॉल बनाना चाहिए सो so डैट उसमें से जो भी स्मोक निकल रहा है वो डायरेक्टली अपर साइड चली जाए यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज़ बसेज मेट्रोज और अरेंज फॉर कारपूल्स सो डैट ईच डे वन ओनली वन पर्सन ऑफ द ग्रुप ड्राइवज़ अ कार हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज मेट्रोज़ या फिर हमें कारपूल अरेंज करनी चाहिए कारपूल में क्या होता है कि अगर आपका आपने एक ही लोकेशन पर जाना है किसी ने सेम रूट से जाना है तो सभी अपनी इंडिविजुअल कार्स या व्हीकल्स ना ले जाकर किसी एक के साथ शेयर करेंगे सो दैट ओनली वन पर्सन ऑफ द ग्रुप ड्राइव्स अ कार इससे क्या होगा कि उस रूट के जितने भी पर्सन हैं उनमें से सिर्फ एक ही कार ड्राइव करेगा जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा लेसर व्हीकल्स ऑन द रोड वुड मीन क्लीनर एयर अगर वही रोड पर लेसर व्हीकल्स होंगे इससे क्या होगा इसका क्या मीनिंग होता है कि एयर हमारी क्लीन है ओके okay? टेक गुड केयर ऑफ़ योर व्हीकल्स सो दैट दे डो नॉट गिव आउट स्मोक हमें अपने व्हीकल्स की केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए सो so दैट वो स्मोक उसमें से ना निकले डोंट बर्न एनी रबिश इन द ओपन हमें किसी भी तरह की रबिश को बर्न नहीं करना चाहिए ओपनली यूज़ सी एन जी एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स इंस्टिट ऑफ पेट्रोल और डीजल हमें सी एन जी का ही यूज़ करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ फ्यूल व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल के इंस्टेट कफ़ और स्नीज़ इंटू अ हैंकर चिप हमें जब भी कफ ऑस्नीज़ होता है तो हमें हैंकर चिफ में ही करना चाहिए सो डैट जर्म्स आर नॉट स्प्रेड इंटू द एयर ताकि जर्म्स जो है वो एयर में स्प्रेड ना हो एंड आई थिंक ये सभी ने ही फॉलो किया है बिकॉज ऑफ कोविड हम सभी को यही गाइडलाइंस दी गई थी कि हमें हैंकर चिप का यूज़ करना है सो so डैट जब भी हम कफ या स्नीज करें तो जो जर्म्स हैं वो एयर में स्प्रेड ना हो जाए एंड बिकॉज ऑफ़ डैट ओनली हमें गाइडलाइंस मिली थी गवर्नमेंट से कि हम मास्क भी वियर करें ओके स्टूडेंट सो यू कैन रीड इट इन योर बुक इट्सल्फ कि अगर हम हैंकरचीफ का यूज़ नहीं करते वाइल काफिंग एंड स्नीजिंग तो एयर में जर्म्स स्प्रेड हो जाती है ओके सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव रीड अबाउट एयर पॉल्यूशन इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन सो यू हैव टू रीड द टॉपिक एयर पॉल्यूशन प्रॉपरली टू गेन मोर नॉलेज ओके स्टूडेंट्स Thank you and goodbye.